देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी। इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ें भी शामिल है जो अब नहीं दिखेंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है जिन पर रोक लग रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज़ें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सिंगल यूज प्लास्टिक की इन चीज़ों पर लगा बैन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम के स्टिक, थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली प्लास्टिक, फिल्म इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर मंत्रालय की तरफ से साफ बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसको दंड मिलेगा। इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल है। बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA के सेक्शन के 15 के तहत एक्शन होगा। राज्य सरकार इस बात पर कड़ी नज़र रखेंगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं पर अवैध रूप से बनाया, इंपोर्ट, जमा, बेचा या इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन को छूट मिली है, लेकिन पैकिंग के लिए इस्तेमाल प्लास्टिक पर्यावरण के हिसाब से ठीक है, इसका ध्यान रखना होगा। हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है, तो करना। भारत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताया कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या पड़ा रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होता है। इस हिसाब से हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।